नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आज बात करेंगे हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। जी हां, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में सियासी अखाड़ा सज चुका है और जैसे जैसे वोटिंग की तारीख अब नजदीक आ रही है, दलित वोट के लिए लड़ाई तेज होने लगी है। बहुजन समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला तो अब और भी रोचक हो गया है। अभय चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD ने मायावती से गठबंधन किया है, जबकि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी यानी JJP ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अनुसूचित जाति के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश तेज कर दी है। इस विधानसभा चुनाव में INLD 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिनमें सभी SC आरक्षित सीटें शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर JJP 70 सीटों पर और आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रभाव की बात करें तो राज्य में मायावती की पार्टी का प्रभाव घटता जा रहा है। साल 2009 में उनका कुल वोट शेयर 6.7% था, जो 2019 में घटकर महज 4.2% ही रह गया था। कांग्रेस, जो जाट प्लस दलित प्लस मुस्लिम का सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है, इस बात से चिंतित है कि यह कदम SC वोटों को विभाजित करने के उद्देश्य से उठाया गया हो सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी 20.2% है और विधानसभा में इस समुदाय के लिए 17 सीटें आरक्षित है। ग्रामीण इलाकों में SC जनसंख्या 22.5% है, जबकि शहरी इलाकों में यह 15.8% है। फतेहाबाद जिले में अनुसूचित जाति की सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है, जो 30.2% है। इसके बाद सिरसा में 29.9% और अंबाला में 26.3% है। सबसे कम जनसंख्या मेवात में 6.9%, फरीदाबाद में 12.4% और गुरुग्राम में 13.1% दर्ज की गई। अनुसूचित जातियों ने 2024 के आम चुनाव में बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समर्थन किया। लगभग 68% दलितों ने इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, जबकि 24% ने BJP का समर्थन किया। इस बड़े बदलाव ने इंडिया गठबंधन के लिए 8% वोट शेयर का फायदा पहुंचाया, जबकि BJP के लिए 7% वोट शेयर का नुकसान हुआ, जिससे 15% वोटों का स्विंग BJP के खिलाफ हुआ। इसके परिणाम स्वरूप BJP ने 2019 में जीती हुई 10 में से 5 सीटें खो दी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में दोनों SC आरक्षित सीटें जीती। वहीं चुनाव आयोग ने हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीखों को भी बदल दिया है। अब यहां 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के साथ ही मतगणना होगी। पहले वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर और मतगणना की 4 अक्टूबर रखी गई थी। कांग्रेस चुनाव की तारीखों में बदलाव के बाद BJP और चुनाव आयोग पर हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग BJP के इशारे पर काम कर रहा है। तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र अब लगातार चर्चा में बनने वाला है। इसका कारण है वोटिंग और काउंटिंग के दिनों में भी 4-4 तारीख की हुई बढ़ोतरी को लेकर। हालांकि चुनाव आयोग के अपने पक्ष हैं, उनका कहना है कि विश्नोई समाज उस वक्त अपने सालाना उत्सव को लेकर बिजी रहता है और बहुत बड़ी संख्या में कुन उनके मतदाता वोट नहीं कर पाएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए तारीखों का बदलाव किया गया है। लेकिन विपक्ष की अपनी अलग बातचीत है। उनका साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग लगातार BJP के प्रेशर और उसके इशारे में काम कर रहा है। अब ऐसे में जो चुनावी रणनीति बनाने की अहम भूमिका पार्टियों के कंधे पर है, वो इन तारीखों के ऐलान से कितना प्रभावित होती है या फिर जनता के मन में इसके लिए क्या बात निकलकर सामने आती है, यह तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन हरियाणा का कुरुक्षेत्र इस बार काफी घमासान
होने वाला है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस से केवल ढिंगरा साहब जुड़ चुके हैं, तो वहीं बतौर राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला साहब भी जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आलोक वत्स साहब बीजेपी की तरफ से भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो जुड़ ही गए हैं हमारे साथ, तो सबसे पहले आलोक वत्स साहब आप ही से शुरू करते हैं। ये जो INLD के साथ और उधर JJP के साथ BSP और ASP पार्टियों का जो एक साझा कोएलिशन हुआ है, इससे आपको कितना फायदा होगा और आपके प्रतिद्वंदियों को कितना नुकसान होगा, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल ही दीजिए वत्स साहब। चुनाव की तारीख आगे पीछे होना ये कोई नई बात नहीं हुई है। नहीं ठीक है, तारीखों पे तो मैं आया ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ INLD और BSP का गठबंधन और आपका JJP और ASP का गठबंधन आपको कितना फायदा पहुंचाएगा और विपक्षियों को कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसके ऊपर थोड़ा बता दीजिए। चुनाव की तारीखों पर बाद में आएंगे। देखिए, जो JJP का गठबंधन हुआ है आजाद पार्टी से, उसका कोई खास इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं। आपके पुराने सहयोगी ही थे इसलिए पूछ रहा हूं। लेकिन उनका घर ही बिखर गया है। अच्छा, जो उनके MLA थे 4-5 तो चले ही गए और कमजोर हो गए। वैसे भी वो बहुत मजबूत तो थे नहीं, 22 सीट लाए थे, तो उनको मजबूरी थी कि किसी का साथ लें और आजाद पार्टी की मजबूरी थी कि वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन लोगों के आपस में मिलने से कोई इलेक्टोरल इम्पैक्ट कोई बहुत तगड़ा 90 सीटों पर पड़ने वाला है। कुछ जगहों पर ये डैमेज कर सकते हैं कुछ लोगों को। इनका अंतोगतवा रोल बोझ कटवा का बन के रह जाएगा। मतलब जनता इनको अब सीरियसली नहीं लेगी, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ ठीक है, ओके। जब बोझ कटवा बन जाएंगे तो सीरियस लेने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है, ओके। आपके पास हम आते हैं, केवल ढिंगरा साहब भी कांग्रेस की तरफ से हमारे पास जुड़े हुए हैं। ढिंगरा साहब, सबसे पहला सवाल, एक बात तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट वर्ग में लोगों का विश्वास जीता है, ये 2019 के भी परिणाम से समझ में आता है। 17 में से 7 में आपने जीत दर्ज की थी और 2024 के आम चुनाव में तकरीबन 68% दलितों का वोट कांग्रेस के पास गया था। तो आप इस गठबंधन को कैसे देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि अब ये जो बिखराव वाली स्थिति दलितों के बीच में थी अब वो नहीं है, अब वो कांग्रेस में अपना विश्वास तलाश चुके हैं? ढिंगरा साहब, देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। इसी चुनाव के अंदर अगर हम JJP का वोट देखें तो वो 0.78% था और अगर हम आजाद पार्टी का देखें कि वो हरियाणा के अंदर आई है तो उसका तो कोई ना कार्यकर्ता है, ना कोई इलाके में कोई लेना देना है, कुछ भी नहीं है उनके पास, कोई अपना कोई यहाँ पे कुछ लोगों के साथ कोई जुड़ाव नहीं, कोई आदमी नहीं, कुछ भी नहीं। और JJP जो है वो निल हो चुकी है बिल्कुल। 10 सीटें इन्होंने जो जीती थी वो BJP को यमुना पार पहुंचाने की जीती थी और 4.5 साल इनके साथ साझीदार रहे और हरियाणा में बहुत बुरी तरह से लूट की, जिस तरह से बहुत सारे घोटाले हुए, चावल घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ, बिजली मीटर खरीद घोटाला हुआ, माइनिंग का घोटाला हुआ, पेपर लीक का घोटाला हुआ, बहुत सारे घोटाले हो गए जिसके बीच में सभी तरफ से BJP और JJP का हाथ रहा। तो ये अब इसके बाद जो है इनका जो परसेंटेज लोगों ने बताया, क्योंकि ये उल्ट वोट मांग रहे थे, ये उनके अगेंस्ट BJP के वोट मांग रहे थे कि इनको यमुना पार दिल्ली से पार पहुंचा आएंगे और जिस समय 10 सीटें आई तो उन्हीं की गोदी में जाकर बैठ गए और उन्हीं के साथ चुनाव अपना गठबंधन कर लिया। तो जनता ने 2024 में इनको बिल्कुल नकार दिया और नोटा से भी कम वोट आ रहे थे JJP के। आप देखिए लोकसभा के अंदर, फरीदाबाद के अंदर 5-6 हजार नोटा को वोट मिल रहे हैं और इनको 4 हजार मिल रहे हैं। तो इस तरीके से इनकी हालात रही सारे प्रदेश के अंदर।
तो जहां जहां जेजेपी है वो खत्म है, आईएनएलडी और बीएसपी पहले ही खत्म है। आईएनएलडी का जो प्रभाव था उसको भी 1% वोट मिली, इसके ज्यादा वोट इनकी भी नहीं है। हमारा सीधा मुकाबला जो है वो डायरेक्ट बीजेपी के साथ है, क्योंकि बीजेपी की 40 सीटें पिछली बार विधानसभा के अंदर आई थी, इस बार लोकसभा के अंदर हमारा और बीजेपी का ही मुकाबला रहा। लेकिन विधानसभा में कुछ और डाउन जाएगी बीजेपी, उसका रीजन मैं बताता हूं आपको। जो हरियाणा के अंदर किसान वर्ग है वो करीबन करीबन एक साल तक सड़कों पर बैठा रहा, मोदी जी ने 3 काले कानून बना दिए थे उनके लिए, जिससे खट्टर साहब ने लगातार हरियाणा के जो इलाके हैं उनको बॉर्डर में तब्दील कर दिया कि किसान दिल्ली ना जा पाए, और लगातार बोल्डर बिछाए गए, किले बिछाई गई, उनके ऊपर पानी की बुछारें छोड़ी गई, लाठी डंडे से उनके उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया, 750 किसान जो करीबन शहीद हो गए, और इसके बाद भी नहीं माने, आज भी लोग धरने पर बैठे हैं सारे किसान, और उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। तो इस तरीके से जो है किसान वर्ग बड़ा परेशान था, कर्मचारी वर्ग जो था उसकी बहुत बुरी हालात की, 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं इस समय जिनको भरा नहीं गया, और एक HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से एक गुजरात मॉडल हरियाणा के अंदर लाया गया, जिसमें डिप्लॉयमेंट पॉलिसी का काम किया गया, हम ठेकेदारी में दिहाड़ीदार मजदूर बना रहे हैं, अरे क्लरिकल को, TD कर्मचारियों को, उनको हम दिहाड़ीदार जो है नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पर रोज की दिहाड़ी है उसके अंदर, और उसके साथ कोई आरक्षण नहीं, कोई उनकी पेंशन नहीं, कोई उनकी सुविधा नहीं, कुछ नहीं। ठीक और है। उन जितने हमारे कर्मचारी थे उनको लाठियों के साथ बहुत बुरी तरह से पीटा गया। तो हरियाणा में मतलब इस बार आप देख रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। ठीक है, हम आपकी बात को समझ रहे हैं, हम आएंगे आपके पास, लेकिन प्रदीप नरूला साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरूला साहब, इन गठबंधन को आप कितना सीरियसली लेते हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि यदि बीएसपी के जनाधार की बात करें तो वो लगातार उसका ग्राफ नीचे आ भी रहा है, 6.2% से अब घटकर पिछले बार की बात करें तो महज 4% के आसपास था। तो वो यहां पर चुनाव जीतने आए हैं या गेम बिगाड़ने आए हैं, आपको क्या लगता है? उनकी बात के साथ आप एएसपी को भी जोड़ ही लीजिएगा, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को। हाँ जी जी, जैसे कुणाल जी, अभी मैं बीजेपी प्रवक्ता को सुन रहा था, तो उनका कहना था कि एक वोट कटवाती स्थिति में रहेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से जिस तरह से बीजेपी देख रही है कि बीएसपी, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में दलित वोट पूरी तरह से हरियाणा में कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ दिखाई दिया था, उनका रुझान कांग्रेस की तरफ था, तो शायद बीजेपी को ये लग रहा है कि बीएसपी का गठबंधन आईएलडी से होने से और एएसपी का गठबंधन आजाद पार्टी का गठबंधन जेजेपी के साथ होने से जो स्थिति बनेगी कि थोड़ा थोड़ा कुछ परसेंटेज वोट दलित का कांग्रेस से खिसक कर इधर जाएगा। तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां और बहुत सारी चीजें और आंगनी तो जातीय समीकरण अलग होता है, बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा की एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और उसमें कई सीट ऐसी आ जाती है जिनमें रिजर्व का मामला भी है, सारे मिलके एक बहुत अच्छी वोट परसेंटेज हो जाती है। और आपने अभी भी आंकड़े बताए भी हैं शुरू में कि कहां किस लोकसभा क्षेत्र में कहां दलित वोट कितना परसेंट किसके साथ रहा, तो वो एक स्थिति अलग बनती है। लेकिन विधानसभा का जब चुनाव आता है तो वो थोड़ा सा एरिया कम से कम उस लोकसभा के 10 या 11% का एरिया रह जाता है, और उनमें जो ये फैक्टर्स हैं ये बहुत तेजी से काम करते हैं और इसके इसके चलते परिणाम भी बदलने की क्षमता रखता है। तो अगर बीजेपी जिस तरह से देख रही है कि दलित वोट का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, थोड़ा थोड़ा भी हो जाए, तो जिस तरह से बीजेपी सोच रही है अगर इस तरह से हुआ तो निसंदेह बीजेपी को इसमें थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है। और मेरे ख्याल से अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि अब की बार पिछली बार की परफॉर्मेंस से हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, नो डाउट कि जो जमीनी स्थिति है वो कांग्रेस के लिए बेहतर दिखाई दे रही है पहले दिनों मुकाबले, लेकिन जिस जनता जनार्दन का मत है
कुछ स्थानीय मुद्दे भी, कुछ स्थानीय चीजें भी इन पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालती हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, स्टेट के मुद्दे सेंटर के मुद्दे दोनों अलग अलग होते हैं। बिल्कुल ठीक। और जो सामान्य मुद्दे होते हैं जो जो वाकई उस एरिए को प्रभाव डालते हैं या जाति समीकरण को प्रभाव डालते हैं, लोकसभा में जाति समीकरण को बहुत ज्यादा प्रभाव परफॉर्मेंस नहीं मिलती, लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा एरिया हो जाता है और जहां विधानसभा का बात आता है तो इसमें जाति समीकरण भी कई बार जो समस्याओं और जो मुद्दे प्रभावी होते हैं वो गौण हो जाते हैं जाति समीकरण के सामने। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि ये परिस्थिति थोड़ा सा अलग रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से हालात है उसमें कहीं ना कहीं एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस को। ओके। बीजेपी कहीं ना कहीं लेकिन समझ गया लेकिन कांग्रेस के लिए कई रोड ब्लॉक्स हैं जो अब क्रिएट हो गए हैं, जैसा आपने कहा। मैं उन्हीं की चर्चा, कुणाल जी, मैं उन्हीं की चर्चा करने आ रहा था। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि जब एडवांटेज मिलता है तो परेशानियां भी बहुत खड़ी होती है। हाँ। और लग रहा है कि कांग्रेस के साथियों को कि ये लग रहा है कि शायद कांग्रेस का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है कभी वो थोड़ा सा गड़बड़ा भी रहा है। बहुत सारी गुटबाजी भी है कांग्रेस में और निस्संदेह आज से नहीं है, बहुत पुरानी गुटबाजी है, धड़े बने हुए हैं कांग्रेस में। तो कांग्रेस के वो धड़े, अगर कांग्रेस उनपे पार पा लेती है, अगर उनपे उन धड़ों से निबट लेती है या उनको सबको एक करने में कामयाब हो जाती है तो एज मिलेगा, निस्संदेह एज मिलेगा। लेकिन हाँ बिल्कुल, कुर्सी की पेटी बांध के रखनी है। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। आपके पास फिर आएंगे नरूला साहब, आलोक वत्स साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक वत्स साहब, ये जो बात निकलकर सामने आती है कि चुनाव की तारीखों में बदलाव हो जाता है, हालांकि यह फैसला तो चुनाव आयोग का होता है, लेकिन इतनी बार तारीखों का बदल जाना और इतने बार चीजों को अपने हिसाब से अल्टर करके चलना पहले कभी नहीं हुआ। आप 2022 का भी हवाला दे दीजिएगा कि हमने एक बार वहां पहले भी बदला था चुनाव आयोग ने, लेकिन आप इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो फैसला चुनाव आयोग की तरफ से आया है ये बिल्कुल सही है और आप इसके साथ हैं? वत्स साहब, देखिए चुनाव में देश कभी कभी बदल दिया जाता है परिस्थितियों को देखते हुए। 28-29 संडे, सैटरडे संडे है सर। राजीव कुमार साहब ने, आप शुरू करें एक बार, बोल देता हूँ, राजीव कुमार साहब ने ये बोला था कि हम इस बार हर वीकेंड का ख्याल रख रहे हैं और अब हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर ये सर चीज हो के अब फिर वही चीज रिपीट हो रही है, तो ख्याल नहीं रखा जा रहा है ठीक सा? क्या लगता है उनसे कहीं चूक हो गई है? ओके। क्योंकि तो जो बिश्नोई समाज का पर्व है, महापर्व, वो 3 तारीख को है और अगर लोग छुट्टियों पे चले जाएंगे और लोग अगर ये पर्व मनाने चले जाएंगे तो एक पर्टिकुलर इलाके में करीब 20 लाख वोट का डिफरेंस हो जाएगा, जो कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। तो आपने याद दिलाया है ना, आप ही ने दिलाया है। हमने भी दिलाया है और उस समाज के लोगों ने भी पत्र लिखकर अनुरोध किया है। ठीक। और INLD ने भी चीज का समर्थन किया है। ओके। तो ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए कोई वोटर आपको वोट देने के लिए मन बनाए हुए है, हाँ, तो चाहे 2 दिन के बाद देना हो या 1 दिन के बाद देना हो या 4 दिन के बाद देना हो, देगा तो आप ही को। नहीं वो तो ठीक है। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि मैंने अगर कांग्रेस को वोट देने का मन बनाया है तो 4 दिन के बाद मैं बीजेपी को दे दूंगा। तो हो सकता है 1% में इस तरीके की तब्दीली आ जाए। ठीक है, जनरल में तब्दीली नहीं आ सकती। ओके ढिंगरा साहब, जनरल में कोई तब्दीली नहीं आ सकती है, कह रहे हैं वत्स साहब कि चुनाव आयोग से कोई शायद चूक हो गई फिर से, मतलब ये ध्यान में पहले था लेकिन इस बार फिर से चूक हो गई है, उन्होंने याद दिलाया, सबने याद दिलाया है, तो अब इसको रेक्टिफाई कर लिया गया है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट ढिंगरा साहब? देखिए बीजेपी डरी हुई है, इधर उधर के पैंतरे कर रही है, लेकिन सवाल ये है चाहे प्री पोन हो चाहे पोस्ट पोन हो, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको जितनी और आगे बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा और वोट इनकी कटेगी। ओके। क्योंकि इनकी भाजपा का जाना इस समय तय है। हाँ। और ये 10 का आंकड़ा भी मुझे लगता है पार नहीं कर पाएगी। हाँ। 90 सीटें हैं हमारी। हाँ। और कांग्रेस की सारी बहुमत से सीटें आएंगी, ये 10 का नहीं पार करेंगी तो बाकी सीटें आप देख लीजिए कहां जाएंगी। जहां तक आपने अभी यहां पे गुटबाजी की बात करी थी, मैं उस पर भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। आज भाजपा के अंदर कितनी गुटबाजी है मैं आपको बताना चाहूंगा,
राव इंद्रजीत अपने इलाके की 5 सीटें मांग रहे हैं और बडोली जी उनको देना नहीं चाह रहे, नायब सैनी में खींचतान है वो नहीं देना चाह रहे और राव इंद्रजीत जी अड़े हुए हैं। और जिस तरीके से मोहनलाल बडोली और नायब सिंह सैनी पूरी स्टेट के अंदर आपस में उलझे हुए हैं, टिकटों पे खींचतान चल रही है और गुटबाजी इनके बीच में दिख रही है, वो भी एक चरम सीमा पर है। और दूसरी तरफ देखे तो अनिल विज का अलग खेमा है, बडोली जी का अलग खेमा है, नायब सैनी का अलग है, राव इंद्रजीत का अलग खेमा है और खट्टर साहब का अलग खेमा है और अरविंद शर्मा का अलग खेमा है और गोपाल कांडा और रंजीत सिंह चौटाला भी आपस में भिड़ रहे हैं। वो कह रहा है मैं लड़ूंगा उस सीट पे, वो कह रहा है मैं लड़ूंगा और अरविंद शर्मा मनीष ग्रोवर की टिकट काटना चाहते हैं। ये लगातार हरियाणा के अंदर गुटबाजी बीजेपी की चरम सीमा पर है, पर लेकिन टीवी के माध्यम से कहीं दिखती नहीं है, वो अंदर अंदर चल रहा है और बहुत बुरी तरह से इन फाइटिंग है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हमारे सभी नेता एआईसीसी के नीचे सभी एक है और हमारे अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे अंदर ठीक है ये आपस में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार रहता है, लेकिन राहुल गांधी जी ने सख्त आदेश दिए थे इस बार जब जिस समय किरण चौधरी वाला मामला आया था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोई भी आदमी अपनी बात जो है पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखेगा, बाहर नहीं रखेगा, जो बाहर रखना चाहता है वो बेशक पार्टी छोड़ करके जाए लेकिन वो अपनी बात जो है पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखे जिसको कोई अपनी ग्रीवियंस रखनी है। उस दिन के बाद लगातार कोई कांग्रेस के अंदर किसी भी तरह की कोई बात नहीं है, सभी राहुल गांधी जी, खड़गे जी और हमारे जितने शीर्ष नेता हैं उनके नीचे सभी अपनी अपना काम कर रहे हैं, कांग्रेस की वोट मांग रहे हैं, चाहे वो शैलजा जी हो, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे बाकी के जितने मर्जी नेता हो, सभी एक ही झंडे के नीचे कांग्रेस की वोट मांगने का काम लगातार रैलियों। ठीक है सर, गुटबाजी और खेमेबाजी कितनी भी हो ना, लेकिन अगर जनता के दिल में कोई भी पार्टी विश्वास बना लेती है अगर, या उसका विश्वास रहता है, तो फिर ये गुटबाजी खेमेबाजी किसी भी पार्टी के वो काम नहीं आती है। मैसेजिंग है और जरूरत कितनी है लोगों को, उसको कौन पकड़ता है और एड्रेस करता है, ये बेहतर होता है। हालांकि नरूला साहब, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी इसी इत्मीनान में खुश है कि वोट बढ़ जाएंगे, वोट कट जाएंगे, क्योंकि एक और कंटेंडर भी तो है आम आदमी पार्टी, बिल्कुल साइलेंट, उसके साथ अब बीएसपी और उसके साथ अब एएसपी, ये जो सब मिल करके इस चुनाव में खिचड़ी की तरह रोल प्ले कर रहे हैं, इससे इस चुनाव के रिजल्टेंट पे कितना कुछ असर हो सकता है? नरूला सर, देखिए मैं आपको बताऊं कुणाल जी, ये विधानसभा का क्षेत्र है, विधानसभा की वोट्स है और ये एक लिमिटेड क्षेत्र है, इसको लोकसभा के उससे कंपेयर नहीं किया जा सकता और हर तरह के स्थानीय मुद्दे और जातिगत समीकरण। तो चुनाव तारीखों का भी कोई असर पड़ेगा क्या, उसमें भी ऐड कर दीजिएगा जल्दी से, क्या चीज चुनाव की तारीखों के बढ़ने से भी कुछ असर पड़ेगा? देखो दोनों जो राजनीतिक दल के प्रवक्ताओं ने बात कही, सही से इसका विश्लेषण दोनों में से किसी ने भी नहीं किया। हरियाणा में बीजेपी को शहरी क्षेत्र की पार्टी माना जाता है और शहरी क्षेत्र का जो वोटर्स है वो बहुत ज्यादा वोटिंग करने में, मतदान में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, खासकर हाई राइज सोसाइटीज में, खासकर सोसाइटीज के कॉलोनियों में। वो जब भी कोई ऐसा मौका आता है जिसमें 2 या 3 या 4 छुट्टियां मिल जाए तो वो अपना टूर प्रोग्राम बना। नरूला साहब आपको टोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, 20 सेकंड है, जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए सर, समराइज कर दीजिएगा। तो उस स्थिति में बीजेपी को कहीं ना कहीं ये डर लग रहा था कि वोटिंग परसेंटेज कम हो गया शहरी क्षेत्र का, तो उनके हाथ से बहुत सारी सीटें खिसक सकती हैं। और ये ठीक है कि चुनाव आयोग ने बिश्नोई समाज की के त्योहार को लेकर ये डिसीजन लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने कंप्लेन की थी वो सिर्फ इसी मुद्दे पर की थी, उसमें उस वक्त बिश्नोई समाज के त्योहार का कोई जिक्र नहीं था। और मेरे ख्याल से बीजेपी का जो सही मर्म है जो इस तारीख बदलने को लेकर वो यही है कि शहरी क्षेत्र का मतदाता अगर 4 छुट्टियां या 5 छुट्टियां एक साथ पड़ गई तो वो अपने आउटिंग के लिए निकल जाए। चलिए तो ठीक है, बहुत बढ़िया आपने बात बताई, शहरी क्षेत्र के मतदाताओं में बीजेपी का विश्वास ज्यादा है और शायद उसको वह खोना नहीं चाहती, आवाज भी उन्होंने उठाई है, लेकिन जनता के मन में किसकी आवाज है और किसका विश्वास है इसके ऊपर सारा फैसला निर्भर करता है। हमारे साथ आप तीनों खास मेहमान जुड़े, आपने अपना वक्त दिया, अपनी बातों को दर्शकों तक रखा, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लगातार एक के बाद एक सियासी उठापटक का दौर जारी है, 2 नए एंट्रेंट्स आ चुके हैं, बीएसपी और उसके साथ ही
आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी तो ऑलरेडी चुनाव में ही है, लेकिन क्या जनता ये पहचान चुकी है, वो अपना मन बना चुकी है कि उसे किसे वोट देना है या नहीं देना है, इसके ऊपर सारा कुछ खेल निर्भर करेगा। आज के वक्त में कोई जनता को बहुत ज्यादा देर तक गुमराह नहीं कर सकता और उन्हें पता है कि उन्हें किसे वोट करना होता है। उम्मीद भी यही की जाएगी कि जनता जिसे भी वोट करे वो हरियाणा के विकास को ध्यान में रखते हुए करे और हरियाणा को आगे ले जाने के लिए करे। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।